बिहार बोर्ड इंटर में नामांकन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट बिहार बोर्ड के द्वारा कब किया जाएगा जारी, क्या सचमुच जारी हो चुका है और इस वीडियो में आप चेक कर पाएंगे या फिर नहीं, तो इस वीडियो को एंड तक देखें, आप अपना नाम भी चेक कर पाएंगे, साथ ही आपको किस छात्र का पहले नाम आया है और किन छात्रों को कहाँ होगा नामांकन, यानी किस कॉलेज में उनका होगा, पहला वाला ऑप्शन पे हो या दूसरा वाला ऑप्शन या फिर तीसरा वाला ऑप्शन, ये सारे चीज़ें भी इस वीडियो में आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। सत्र 2022 से 24 वाले छात्रों के लिए यह वीडियो बन रहा है, तो आपको बता दें कि सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि आप लोग यदि आवेदन कर चुके हैं, जो छात्र नहीं बचे हैं आवेदन करने के लिए, तो जो छात्र कर चुके हैं उन्हीं का पहले लिस्ट में नाम आएगा। साथ ही बता दें कि सभी छात्रों का नाम पहले आएगा जो मैट्रिक परीक्षा में अच्छे अंक से पास आउट हुए हैं, यानी अच्छे अंक उन्होंने लाए हैं, तो उन छात्रों का नाम प्रथम मेरिट लिस्ट में होगा। आपको बता दें कि जो छात्र अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, ऑनलाइन नहीं किए, तो वो भी छात्र कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया जा चुका है जहां से वो छात्र जो आवेदन अभी तक नहीं किया है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करें। तो सबसे पहले नाम किसका आएगा प्रथम सूची में, तो उन्हीं छात्रों का आएगा जो 10th में अच्छे अंक लाए हैं। साथ ही नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया का अंतिम डेट आपको 12 जुलाई है। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए सभी बच्चे तक, ताकि सोई बच्चे इससे बच न सके। किन छात्रों का नाम होगा प्रथम सूची में, तो आपको पहले भी समझ में आ गया कि 10th पास आउट हुए हैं, उनको अच्छा अंक आया है, तो वो उनका नाम जो है प्रथम लिस्ट में आ जाएगा। और कॉलेज की बात करें तो उन्हें मनपसंद यानी अच्छे कॉलेज में नामांकन, उनको नामांकन के लिए उन्हें चुना जाएगा, यानी आपका कंफर्म होकर आ जाएगा। अपना नाम कैसे चेक करें, इसके लिए आपको नीचे भी लिंक दिया जा चुका है, जहां से जैसे ही बिहार बोर्ड की तरह डाउनलोड लिंक एक्टिव किया जाता है तो आप आसानी से यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। वैसे यहाँ पर क्लिक करके अभी आप देखें तो अभी भी आपके पास डाउनलोड हो सकता है, तो कुछ डाटा यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। साथ ही जैसे ही पूरी तरह से लिंक एक्टिव किया जाता है तो यहाँ पर आकर आप आसानी से चेक कर पाएंगे। साथ ही नीचे कुछ लिंक भी दिया गया, जहां से यहां पे क्लिक करेंगे तो आपको आसानी से डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि ये ऑफिशियल लिंक यहां पर दिया जा चुका है टेलीग्राम का। और यहां पर इंटर 11th का एडमिशन ऑनलाइन के लिए आप अगर नहीं किया तो यहां पे क्लिक करके ऑनलाइन कर सकते हैं। OFSS का ऑफिशियल लिंक यहाँ पर दिया जा चुका है, तो यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। आपका मेरिट लिस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट को लिंक एक्टिव 12 जुलाई के बाद किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।